po. Birthday boy. Okay.
आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा साइड में आना, इधर से भी, इधर से भी। हाँ थोड़ा सा ये साइड में जो बच्चे हैं थोड़ा सा वो साइड जाएंगे प्लीज। म्यूजिक प्लीज बर्थडे बॉय। ओके तो क्लैपिंग फॉर सुपरस्टार मिस्टर केसरी लाल यादव।
मोहित शर्मा जी आइए आदिल बाबी पर ध्यान दे टेंशन ना पंकज भाई तुम्हारा भी सेल डाउन जा रहा है बाहर क्यों जा रहे हैं तुम्हारे पास और सेल है लेकिन वो चार्ज नहीं है दोनों सेल लगा दियो चार्ज को राजन बिल्कुल नहीं है लगा के रखो ना जाओ एक आदमी जाओ लगा के रखो और क्या हाँ तो ठीक है चलो कोई बात नेता बना देंगे चलो हो गया ऐ पंकज पंकज यहाँ पे देख मेरा भाई शूट नंबर आ जाइए भाभी आ जाइए ये देखिए हमारे पप्पू यादव जी भी 100 किलो का माला खेसारी लाल जी के ए भैया और खेसारी जी संभाल के माला खाइएगा बहुत भारी है भाभी जी साथ में है जरा मुस्कुरा Just like the street lights lit this town Like a fire in a blaze, gotta burn it down Can't be afraid to leave this out We got this far, don't know how बच्चों में देखता हूँ क्योंकि जब पैदा हुआ था तो उतनी औकात नहीं थी कि ऐसा समय आना गिरो लेकिन आज बर्थडे में अपने खुद से नहीं है ना हो मेहरा क्या हो चंदा ये पार्टी जो है हमारी वाइफ साहिबा ने दिया है तू लगाओ तो कि मारा तरू तो आज मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि मैं इतने दिन अपना जो बर्थडे नहीं मनाया आज अपने परिवार के साथ रह के मुझे लग रहा है और इतने दिन से मैं इनको कुछ खरीद के देता था इन्होंने आज मुझे ब्रासलेट खरीद के दिया तो आज मुझे आभास हुआ कि नहीं हम लोग कभी कभी मिस कर जाते हैं तो ये इसमें बोलो ना चलिए थैंक यू कि आप लोग आए और इतना प्यार आशीर्वाद हमारे पूरे फैमिली को दिया मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जितने भी हमारे गार्जियन यहाँ सब लोग गार्जियन ही है मेरे सब लोग आशीर्वाद देने आए हैं तो दिल से थैंक यू और आज अपने परिवार में ये चीज़ें करके मुझे हमेशा खुशी मिलती है लेकिन पहली बार मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट मैंने नहीं मेरी वाइफ ने किया तो मैं चाहता हूँ कि जितना प्यार आप लोगों ने मुझे ताली बजा कर देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा इनके लिए करिए ईश्वर ऐसे ही वाइफ दे ताकि हमें लगे जे खुशियों का मतलब क्या होता है हम पर्दे के लोग हैं हमें समझ में कभी नहीं आता है मेरा हमारे लिए लगता है कि पर्दा ही बहुत कुछ है नहीं ये बोली है तो हम कहे खाते जिंदा बनी मैंने सब गम यह करी है हम उसके लिए हैं बाबू माइक में जीवन भर हम गाए हैं हम ही गाएंगे तो ठीक लगेगा तो इसलिए थैंक यू आज और इनके खुशियों को 4 साल लगाने में आप सबका बड़ा योगदान रहा जितने भी हमारे पूजनीय लोग आए हैं जितने भी सम्मानित लोग हैं तो उसके लिए दिल से थैंक यू और आजीवन ये प्यार हमेशा बनाए रखिए हम हमारी फैमिली 4 है हम हैं हमारे 2 तो इसलिए इन 4 पे आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमेशा जीवन भर बना रहे बस इसी कामना के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग खाना खाइए जिनका पेट ठीक है वो भी खाइए जिनका नहीं है वो भी खाइए ताकि कोई गड़बड़ ना हो थैंक यू लव यू ऑल दिल से थैंक यू सबको पढ़ा बेटी आपको कैसा लग रहा है पापा का बर्थडे मना के भाभी भाभी बोलो 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 कितनी बोलो अच्छा लग रहा है कितना अच्छा आधा किलो 100% वाह मजा आ रहा है हाँ तो रोज मनाए अपने पापा को क्या गिफ्ट आपने अच्छा इसने मेरी बेटी ने मुझे चैन दिया
मेरी बेटी ने मुझे चैन दिया, कम था पहले से कम था क्या ही और बढ़ा दिया। चलिए थैंक यू, आप लोग प्लीज खाना खाइए सब लोग, दिल से थैंक यू। अरे बाकी थे यार, बम उम ले कर बड़ा का। अरे बाप, अब खुलला के बाद बुझाई लाल बम, लाल बम। आनंद हुआ और प्लीज रोल 1000 चलो रोल। ओके रोलिंग। खेसारी जी, सबसे पहले तो हम तमाम पत्रकारों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। थैंक यू, और पत्रकार महोदय लोगों को भी दिल से थैंक यू, और जितने लोग आए हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर हीरोइन जितने भी आदर्श मेरे हैं, और उनको दिल से थैंक यू कि उन लोगों ने आकर, और पहली बार मैंने बर्थडे मनाया और परिवार में मनाया, मेरी वाइफ ने अरेंजमेंट किया सारा कुछ, और सारी अरेंजमेंट जो भी हुआ मेरे वाइफ के तरफ से हुआ, और पहली बार लगा मुझे कि परिवार भी कोई चीज़ होती है, और क्योंकि हम लोग हमेशा आउटडोर में रहते हैं, काम करते हैं, पब्लिक के लिए करते हैं, हमारी जनता तो हमारी दिल में रहती है, हमारी भगवान की तरह है, लेकिन कभी कभी इंसान को वक्त उसके लिए भी देना चाहिए, उनको भी खुशी देना चाहिए जो उनका वेट करते हैं। और मैं आज 5-6 साल से, करीब 2013 से मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं लगातार कभी शूटिंग में, तो शूटिंग छोड़ के आने पे प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए मैं आ नहीं पाता था कि किसी का नुकसान करके मैं अपना खुशी मनाऊँ, लेकिन मेरा शो था आज, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने बोला कि नहीं आज शो है, ये मेरे मन के ऊपर है, तो इसलिए मैं आज यहाँ हूँ, और सब लोग बड़ा प्यार दिए, सारे लोग आए और बड़ा आशीर्वाद और दुलार मिला। खेसारी जी, गिफ्ट में क्या क्या मिला आपको? गिफ्ट में खाली फूल मिला है, और मेरी वाइफ ने ये ब्रासलेट दिया, गोल्ड का मुझे शौक है, और मेरी बेटी ने ये गोल्ड दिया, चैन दिया, सोनू ने मेरा भाई जो है अंगूठी दिया, मेरे बेटे की तरफ से एक चैन मिला, तो और सारे लोगों ने प्यार से भर दिया मुझे इस गोल्ड और इस चैन और अंगूठी से बढ़कर जो सबका प्यार मिला मुझे, अपनी एक बेटी की तरह सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और प्यार दिया, वो मेरे लिए मायने रखता है कि सब लोग अपना काम छोड़कर और मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे घर पे आए, ये बड़ा प्यारा था। खेसारी जी, आपने भी लोगों को आज अपने जन्मदिन के मौके पर गीता बांटी, कोई खास वजह इसके पीछे? बस मैं एक छोटी सी कोशिश थी कि इंसान, हम सबको उपदेश तो दे नहीं सकते, लेकिन कोशिश थी मेरी ये मैं सेलिब्रेट ऐसा करूँ ताकि मैं गीता दूँ, और उसका श्रेय हमारे पप्पू जी को जाता है। इधर आइए पप्पू जी, बड़े महादेव हैं, प्यारे इंसान हैं और अच्छे एक्टर हैं, कई सारे फिल्मों में मेरे काम कर रहे हैं आज और आगे करेंगे हम लोग, तो मैंने गीता इसलिए दिया कि गीता में बहुत ऐसी चीज़ है जो आपसे आपके परिवार से जुड़ी होती है, इस देश से जुड़ी होती है, लोगों के आस्था से जुड़ी होती है, तो अगर पढ़ेंगे तो शायद हम भी गीता पढ़ते हैं, रामायण पहले महाभारत ही गाते थे, महाभारत गाते थे, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं जिस विधा से यहाँ तक आया उस विधा को मैं दुनिया के अंदर पहुँचाऊँ, ऐसा नहीं कि गीता कोई नया बांटा हूँ मैं, गीता तो हर जगह मिलता है, लेकिन मुझे मन की खुशी मिली कि मैं आज गीता प्रदान सबको किया रिटर्न गिफ्ट में। खेसारी जी, वैसे जब बात होती है पप्पू जी की तो राजनीति भी उससे जुड़ जाती है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में एक्टिव हूँ, आपके बड़े सारे मित्र पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक है, खेसारी लाल भी कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? अरे नहीं भाई, पार्टी ज्वाइन आखिर दिनेश भैया अभी तो नहीं किए हैं, शायद मनोज भैया किए, रवि भैया किए और पवन भैया किए, होता क्या है ना कि देखिए अगर हम बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो बाकी पार्टियों के लोग हमारी सिनेमा को नहीं देखते और हमसे कट जाते हैं, और जाहिर सी बात है अगर हम किसी दूसरे को मोहब्बत करते हैं तो आप अगर उसे
दूरी बना लेंगे तो हम आपको मोहब्बत नहीं करेंगे। तो प्यार तो है लोगों का, लोगों के प्रति हमारी स्नेह है। तो हम जनता के हैं, किसी एक पार्टी के बनके मैं अपने जीवन नहीं चला सकता। आज मैं कुछ भी करता हूं तो उसको एक दिन में 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन लोग देखते हैं, ट्रेंडिंग में गाने आ जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में 2 नंबर पे 3 नंबर पे हमेशा मैं ट्रेंडिंग में रहता हूँ। तो रीज़न उसका यही है कि खेसारी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं, इसने अपने पार्टी को या इसने अपने पार्टी अपनी जनता को बना लिया। और हम कलाकारों के लिए वही बेटर है, क्योंकि अगर हम आज पौन भी यही ज्वाइन किए तो उनको क्या मिला, कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को। मैं जानता हूँ कि हमें सिर्फ यूज किया जाता है एक पार्टी के दम पे, यहाँ प्रचार करो वहाँ प्रचार करो, और उसमें हमारी पब्लिक कट जाती है। अब बिहार में होगा, पौन भैया बिहार के हैं, कहीं ना कहीं दिनेश भैया यूपी और बिहार से जुड़े हुए हैं, और मनोज भैया तो आज राजनीति के बादशाह हैं, रवि भैया बादशाह हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम कलाकारों को तो राजनीति से दूरी रहना चाहिए। हाँ, कभी कभी मन में दुख तकलीफ होती है कि हमारी राजनीति के लोग। आज मैं एक इंटरव्यू देखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं गाना गाया हूँ कि ठीक है गाना जो मेरा है, बहुत बड़ा वायरल हुआ है। मैं आज तक चैनल पे गया था, श्वेता सिंह जी, और वहाँ पे पंजाबी लोग थे, लेकिन सब बोला और पाजी ठीक है। तो मज़ा आ रहा था कि कम से कम हमारी भाषा को आज तवज्जो पंजाब के लोग भी दे रहे हैं, कई शहरों में विदेश तक उसको रिमेक किया जा रहा है। तो ये बड़ा प्यारा लगता है, अपनी भाषा को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश है कि ताकि हमें वो पद मिले, वो प्रतिष्ठा मिले जिसके काबिल हम हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत हुनर है, हमसे दुनिया निकालना अगर जाने तो। तो कहीं ना कहीं पार्टी ज्वाइन करने से प्रॉब्लम तो होती है हमें, कि अगर हम कांग्रेस ज्वाइन करते हैं या बीजेपी ज्वाइन करते हैं या नीतीश जी को करते हैं, चाहे किसी को भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं लालू जी को प्यार करने वाले हमसे करते हैं। तो मैं सबको प्यार करना चाहता हूं और सब मुझसे प्यार करें, ये मेरी कामना है। हाँ, जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे लिए इंडस्ट्री में कुछ नहीं है तो मैं इस इंडस्ट्री को त्याग कर और मैं डायरेक्ट कहीं जाऊँगा और किसी पार्टी के साथ में मिलूँगा या मैं चुनाव लड़ूँगा। लेकिन अभी तो बहुत सारा स्कोप है, मेरी उम्र आज 30 बरस की हो गई, तो अभी तो मैं 20 बरस तक है, जब सलमान खान 52 बरस में हीरो हो सकते हैं तो मैं तो अभी 30 बरस का हूँ। तो कहीं ना कहीं अभी स्कोप बहुत है मेरे पास, अभी मैं 15-20 बरस तक लोगों का प्यार पा सकता हूँ और उनकी दुआओं में रह सकता हूँ। खेसारी जी, जब आप पॉलिटिक्स में ज्वाइन नहीं करना चाहते तो नेताओं से आपकी अलग अलग मुलाकातें किस सिलसिले में होती हैं? आप तेजस्वी यादव से मिलते हैं, बाकी लोगों से मिलते हैं? वो मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है, देखिए मेरी आपसे व्यक्तिगत रिलेशन है तो वो मुझे मेरा मिलना जुलना है। लेकिन मैं आपके लिए, और मैं कहीं चुनाव में भी किसी के भी जाता हूँ, किसी पार्टी के, तो मैं किसी पार्टी के गाना नहीं गाता हूँ, मैं वहाँ सिर्फ अपना कार्यक्रम करता हूँ और माल लेता हूँ, माल समझ रहे हैं। देखिए मेरा रोजी रोटी मेरी गायकी है, तो मुझे कोई फ्री में बुलाएगा और अपनी पार्टी का प्रचार कराएगा तो सॉरी, मैं आपके लिए नहीं हूँ। क्योंकि मैं वहाँ भी जाता हूँ, अगर किसी पार्टी के लिए भी जाता हूँ चुनाव प्रचार में, तो मैं वहाँ पेमेंट लेता हूँ और लोगों की मनोरंजन के लिए जाता हूँ, अनाथा ये नहीं। और खेसारी के कहने से कोई वोट किसी को देगा नहीं, वो खेसारी को गाना सुनने आते हैं और खेसारी से अपेक्षा गाना सुनने का ही रखते हैं। तो मैं नेताओं से मिलता हूँ। हाँ, आज अभी आपने दिलाया तो एक कोई है जो प्रवक्ता है नीतीश जी के पार्टी के प्रवक्ता है, वो उन्होंने बोला कि खेसारी दारू का बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा कहना है कि देखिए, बढ़ावा हम कैसे दे सकते हैं, हमने एक मजाक तौर पे गाना गाया है जो उसमें मजाक ये है कि अपने बाप को पापा को पिलाएंगे, कोई बेटा ऐसा करता है क्या? कोई बेटा नहीं करता है, मैं भी नहीं करूँगा, लेकिन वो एक मजाक था, मजाक मैंने किया। और ये बताइए, हनी सिंह आता है कि 4 बोतल वोट का और काम मेरा रोज का और बड़ा मज़ा आता है, तो उसमें किसी को पूरे हिंदुस्तान को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और मैं एक्चुअली मैं थोड़ा सा विवादित हूँ, मैं कुछ भी बोल देता हूँ तो प्रॉब्लम होती है। आज एक चैनल से मेरी बात हुई, टॉकिंग हुई मेरी, और उसने पूछा कि ऐसे ऐसी बातें, और मैंने बात की और बात करने के बाद वो छोटी सी एक क्लिप फिर से दोबारा डाल दिया, और मैंने जो उसके आगे पीछे जो बातें की उसको डाला ही नहीं। अगर बातें होगी तो सिर्फ दो तुम थोड़ी होगी, हेलो बोल के काट थोड़ी देगा कोई, पूरी बातें तो करेगा, तो पूरी बातें उसने डाली नहीं, ऐसी ऐसी बातें और मुझे बदनाम करने के। तो मैं कहूँ कि नीतीश जी के, अब वो कह रहे हैं कि लालू जी के पार्टी के, अगर उनको लगता है कि मैं लालू जी की पार्टी हूँ तो सॉरी, मैं लालू जी की पार्टी का हूँ भाई, मान ही ले रहा मैं, लेकिन मैं किसी राजनीति से नहीं हूँ, लालू जी के परिवार से मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है, मनोज भैया से मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है, तो इसका मतलब है थोड़ी है जी बीजेपी चला गया। हाँ, उनके सम्मान के लिए मुझे कहीं खड़ा होना होगा तो मैं होऊंगा, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन मेरी वो हाँ व्यक्तिगत रिलेशन है। रावड़ी चाची मुझे बेटा मानती हैं, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी मुझे अपना भाई मानते हैं,
लालू चाचा का तबीयत खराब होता है तो मैं जाता हूँ उनसे मिलने, वो मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है। अब उसको लोग पार्टी से जोड़ रहे हैं तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, कितना सफाई। खेसारी जी, बस आखिरी सवाल ये है, आपने कहा कि खेसारी के कहने से कोई वोट नहीं देगा, जो भोजपुरी का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग स्टार है, अगर उसके कहने से वोट नहीं देगा, उसकी अपील काम नहीं आएगी, तो क्या पवन सिंह, निरहुआ और रवि किशन के कहने से लोग वोट देंगे? नहीं, देखिए बात ऐसा है कि मैं कर सकता हूँ अपील, लेकिन मैं क्यों करूँ? आखिर बिहार में तरक्की किसने की है? आज रोजगार के बिना, आज हमें गुजरात से कोई भगा देता है, कोई बॉम्बे से भगा देता है, कोई नेपाल से, हर जगह से तो हम भगाए ही जा रहे हैं, भगोड़ा बन गए हैं, हम भगोड़ा की तरह जी रहे हैं, हमें कोई रोजी रोटी नहीं दे। उनको ये लग रहा है कि खेसारी ने कहा कि ब्लैक से दारू लाएंगे, छापरा में पकड़ाएंगे, तो हमने किया क्या है भाई, हम कानून व्यवस्था अच्छी है तभी ना हम बोला है कि छपरा में पकड़ा जाएंगे, छपरा में पकड़ा जाएंगे भाई, कानून व्यवस्था अच्छी है। पकड़ाएंगे नहीं छपरा में? नहीं नहीं, कैसे पकड़ाएंगे, कैसे पकड़ेंगे? समस्या ये है भाई जी कि आजकल नीतीश जी को पता नहीं है कि दारू बिहार में बंद होने के बावजूद भी लोग पीते हैं, सबको पता है, किसको पता नहीं, बल्कि ज्यादा पी रहे हैं लोग। अब उनको बोल रहे हैं कि अगर पी रहे हैं तो प्रूफ दीजिए। अब यही मेरा काम रह गया जब मैं अपनी गायकी और अपना एक्टिंग छोड़कर प्रूफ ढूंढूं? ये आपका काम है, मेरा काम नहीं। आप रोजी दीजिए ना, हमारे कहने का मतलब कि दुनिया हर आदमी इंजॉय करता है, आप उनको तो घर बैठा दिए ना, किसी का काम छुड़ाकर अपने घर बैठा दिए। आज जो बेचारे दारू बेच रहे थे, जिनकी दुकानें थी, उससे बहुत सारा बिजनेस चल रहा था। मैं दारू के खिलाफ हूँ मैं भी, क्योंकि मैं पीता नहीं भाई, मैं खुद ही दूध पीने वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं उस कैपेबल हूँ तो मैं दूध भी पीऊँगा तो मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं दारू भी पीऊँगा तो मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। रीज़न ये है कि जितने वहाँ वर्कर थे जो दारू फैक्ट्री में काम करते थे, जो वाइन शॉप पे काम करते थे, आज जो घर बैठ गए तो उनको रोजी तो दीजिए आप, बिहार कोई रोजगार तो दीजिए। बिहार में एक रोजगार कोई बता दे मुझे, बालू भी होता है तो 6 महीने में बंद हो जाता है। बिहार के पुलिस स्टेशन में भी दारू बेचे जाते हैं, ऐसा जानकारी मिली है। देखिए अब नीतीश जी बोलेंगे जब खेसारी प्रूफ दें, तो अब हम कहाँ कहाँ प्रूफ देंगे, ये तो दुनिया का कहना है। उनको अगर पता ही करना है कि दारू बिकता है कि नहीं और पीते हैं कि नहीं, तो एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लें और एक न्यूज बनाकर डालें कि बिहार में दारू लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं, तुरंत ही पता चलेगा कि हाँ कितने लोग पीते हैं, दारू बंद होने के बाद भी लोग पीते हैं कि नहीं, तो पब्लिक बताएगी ना जहाँ लोग पीते हैं कि नहीं। कानून व्यवस्था आपका कितना अच्छा है, यहाँ रोगी ठीक नहीं किया जाता है, रोगी को ही मार दिया जाता है। आप रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए तो लोग अपने रोजगार में लुप्त हो जाएंगे ना। हम दूसरे के राज्य को टैक्स देकर, आज ये खेसारी का बंगला जितने का भी हो, चाहे 10 करोड़ का है या 13 करोड़ का है या 20 करोड़ का है, आज अगर मेरे बिहार में फिल्म सिटी होती, बिहार में व्यवस्था होती, बिहार में चीज़ें होती, तो ये टैक्स जो मैं बॉम्बे को पे कर रहा हूँ, महाराष्ट्र को पे कर रहा हूँ, मेरे जितने भी फ्लैट हैं जो मैं रजिस्ट्री करता हूँ, जो टैक्स मैं बॉम्बे को पे कर रहा हूँ, वो मैं बिहार सरकार को पे करता और उससे हमारी उन्नति होती। तो हर आदमी आज जाकर कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम करता, लोगों के लिए कुछ करता और तरक्की हमारे बिहार का होता। तो जब हमारे बिहार में टैक्सी नहीं है तो तरक्की कहाँ से होगी? चंदे के पैसे से तो सिर्फ पूजा हो सकता है भाई, केंद्र का पैसा आएगा तो पूजा होगा, और वो केंद्र के पे कितने लाल बत्ती हैं, लाल बत्ती पे आते आते पता चला जब 100 करोड़ रिलीज हुआ है और पता चला जी आ गया एक बार 2 करोड़ रुपये, नहीं भाई 2 करोड़ में पुल बनाना है तो 2 करोड़ का पुल कितने में बनेगा, तो खत्म ही नहीं हो जाएगा जी। तो समस्या ये है कि आप रोजी नहीं देते हैं, अगर कोई मनोरंजन के लिए गा देता है तो खेसारी। खेसारी जी, बिहार में नीतीश से सरकार थी और पटना अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है, जैसे बॉम्बे का मेट्रो रेल देखा जाए तो 2 साल के अंदर पूरा बन गया, लगभग कम्प्लीट पे है, लेकिन बिहार के जितने पुल अभी बन रहे थे पटना खास करके नहीं बना है नीतीश जी, बन गए ना वो बने हैं। देखिए हमारी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, खेसारी आज हर आदमी का दुश्मन बना हुआ है, हर आदमी का दुश्मन, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कुछ लोग जो इंडस्ट्री, कुछ लोग, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो हैं उनकी भी प्रॉब्लम हूँ मैं, कुछ राजनेताओं का भी प्रॉब्लम हूँ मैं। और ये बताइए कि मैं पब्लिक से दूर रहता हूँ, मैं अगर कोई गाना गा देता हूँ तो अश्लीलता का भंडार हो जाता है लोगों को अश्लील, लेकिन जब खेसारी किसी को गोद लेता है तो ये किसी को नजर नहीं आता। आपके दोस्त, आप किसी की अच्छाई को भी तो दिखाइए, मेरा कहने का मतलब यहाँ है। आपके दोस्त काका जी पे गोली चला है, कुछ कहना चाहेंगे? उस इंसान को कोई मार सकता है महाराज जिसको मैं पूरी दुनिया प्यार करती हो, तो काका अपने आप में एक अलग। ये सारी बातें जब आप करते हो, राज्य सरकार की आप गलतियां निकालते हो, तो क्या केंद्र सरकार ने कोई काम किया है? क्योंकि चुनाव का साल है, इलेक्शन कॉर्नर पे है, मोदी सरकार ने कुछ किया है? साल के लिए बात हो और बस खेसारी ठीक है, नहीं कुछ बातें हो जाए भाई लोग के लिए भी। देखिए बात वो राजनेता वाली जो मैं करता हूँ, मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे कोई चीजें गलत लगती है तो मैं बोल देता हूँ, बाकी लोग नहीं बोल पाते हैं, मैं बोल देता हूँ, मैं बड़बोला हूँ, मेरे जो मन में होती है वही जुबान पे होती है, वही दिल में होती है, वही दिमाग में होती है,
मेरे आगे पीछे कुछ गिरित गिरित, मैं स्क्रिप्ट लेकर किसी को कुछ बोलता नहीं, जो आप सवाल करते हैं उसका मैं उत्तर देता हूँ। ऐसा नहीं कि पहले से हम सेटिंग करके चीजों को बोलते हैं और पेपर लेके बोलते हैं, जी नहीं सॉरी, मेरे दिल में जो है वही जुबान पे। जहां तक केंद्र की बात है और सरकार की बात है, तो देखिए मैं राजनीति मुद्दा में तो हूं ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि केंद्र क्या सोचता है और बिहार सरकार क्या सोचती है, तो मुझे तो पता ही नहीं चल। जब मैं उसमें घुसूंगा ढुकूंगा तो बहुत कुछ चालूंगा, लेकिन ढुकने के बाद ना जी, लेकिन अभी कोई इरादा मेरा नहीं है। और जहां तक लोगों का पता नहीं क्यों नीतीश जी को प्रॉब्लम है मेरे से, उनके पत्रकारों का ब्रेकिंग न्यूज है कि निरहुआ भी लड़ रहे हैं बीजेपी से चुनाव यूपी से। देखिए वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, वो मेरे बड़े भाई है, वो आगे आगे जाएंगे, जैसे दिनेश भी आ गए, रवि भी आ गए, पवन भी आ गए। होता क्या है, हम जब तक आर्टिस्ट को जीवन प्यार पब्लिक दे रही है ना, तो वो किसी नेता का नहीं होना चाहिए और वो किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, उसके लिए उसकी पार्टी, उसका नेता, उसका पब्लिक हो, और यही हमारी जीत है। जब तक हम पब्लिक के बन के रहेंगे तब तक हम स्टार हैं, तब तक हम लोगों के दिल में हैं, लोगों के जुबान पे हैं, और ऐसे ही ट्रेंडिंग में आते रहेंगे। लेकिन जब हम किसी एक आदमी का हो जाएंगे, किसी एक पार्टी का हो जाएंगे, तो शायद हमारी अस्तित्व बंद हो जाएगी। तो यही है कि जब हम अच्छा करते हैं, कमल बांटते हैं, हमने 5000 कमल बांट दिया, 5000 से ज़्यादा करीब 38 जिलों में कमल बांटे, थैंक यू। तो हमने इतना कमल बांटा तो किसी ने कुछ नहीं दिखाया, किसी राजनेता ने नहीं बोला कि खेसारी एक अच्छा पहल कर रहा है। मैं एक गाना विकलांगों साइकिल दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं जला हुआ घर को एक सहारा छोटा सा दिया, विकास भैया हमारे नथुनी विकास भैया जिन्होंने मुझे बॉम्बे में आने के बाद बड़ा प्यार दिया और अपने घर पर रखकर मुझे फाइट सिखाया, सब कुछ सिखाया, वो गवाह हैं। अपने हाथों से उन्होंने मेरा 15 लाख रुपये का एक शो कराए थे, वही कराए थे, KBP इंटरटेनमेंट से हुआ था, और उसके सारे पैसे मैंने बांट दिए। तो कहीं ना कहीं लोगों के प्यार में मैं रहना चाहता हूँ, और मैंने गरीबी देखी है, इसलिए गरीबों का दर्द मेरे मन में रहता है, मेरे दिल में रहता है, और कोशिश रहती है कि मैं अगर उनके लिए अगर थोड़ा भी काम करूँ। अब इसको लोग प्रचार समझते हैं। देखिए